दिल्ली फ्लाइंग क्लब पर अब बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल आपको बताएं, अदालत से आदेश मिलने के बाद दिल्ली का सबसे पुराना फ्लाइंग क्लब बंद हो रहा है। हालांकि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद क्लब के सदस्यों और छात्रों ने एक बैठक की है, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके मुताबिक वो क्लब को बचाने के लिए कोर्ट में अपील करेंगे। क्योंकि एक तो उसका करीब 90 साल पुराना इतिहास है, यहाँ पर फिलहाल 85 छात्र हैं जो एरोप्लेन मेंटेनेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कोर्ट के आदेश के बाद इन छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जो गलत फहमी है कि ये क्लब सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए, शादी के लिए ही, ये गलत है। क्योंकि अभी भी हमारे एमई स्कूल का लाइसेंस वैलिड है, और ये जो भी बोल रहे हैं, जैसे बाहर वो क्लब बोल रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ क्लब, वो प्योरली क्लब चलाते हैं, उनके पास लाइब्रेरी भी नहीं है। और नाम रखा हुआ है उन्होंने नाम रखा हुआ है एयरपोर्ट ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट। उनसे कोई पूछे कि इंस्टीट्यूट के नाम पर कर क्या रहे हैं, वो शादियां कर रहे हैं, वो अपनी पार्टियां कर रहे हैं, और ये हिस्टोरिकल क्लब है जहां पे इतने लोगों ने ट्रेनिंग किया, इतने लोगों का भविष्य जुड़ा, वो क्या करेगा। कोर्ट में हमारे मैनेजमेंट ग्रुप ने क्या डॉक्यूमेंट दिए, नहीं दिए, क्या हुआ, हम लोग किसी मेंबर को कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी भी हम लोगों को गुड फेथ में कोई लिया नहीं, बताया नहीं क्या करें नहीं करें। अभी जो मैनेजमेंट कमेटी से हमें डॉक्यूमेंट मिल रही है, इसके बिहाफ पे हम कोर्ट से रिलीफ मांगेंगे कि हम लोगों का क्या होगा, हम लोग क्या करें। क्या कुछ डिसीजन लिया गया मीटिंग में? डिसीजन लिया है कि हम ऑनरेबल कोर्ट में जाएंगे और अपने रिलीफ के लिए, स्टूडेंट के रिलीफ के लिए फाइट करेंगे, कि वो बेचारे का ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे जाएंगे, इसके लिए हम लीगल रास्ता ढूंढ रहे हैं। नहीं, मेरा ओनली कंसर्न है कि ये क्लब सर्वाइव करना चाहिए, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबका भविष्य जो असुरक्षित हो गया है, उसे कम से कम रिटेन करना चाहिए। और क्लब के मेंबर्स जो कि आई थिंक 60 से 50 से हैं, उनके पेरेंट्स, उनके इन लॉज मेंबर्स थे, तो आज वो इस तरह से एकदम बाहर, मतलब खदेड़े जा रहे हैं, ये एक बहुत गलत का वो हो रहा है। और इसमें मैं चाहूँगी कि हम किसी भी तरह से इस क्लब को बचा सकें और हमारे मेंबर्स के और मेंबरशिप रिटेन कर सकें। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।